गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेसन नंबर टू एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स. नाउ सेक्शन ए ओरल क्वेश्चंस. टॉक अबाउट टू सेफ्टी रूल्स दैट यू फॉलो टुडे व्हाइल कमिंग टू स्कूल. आई क्रॉस द रोड थ्रू जेब्रा क्रॉसिंग. आई वॉकड ऑन द फुटपाथ. मतलब मैं रोड क्रॉस करती हूँ जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू और मैं फुटपाथ पर वॉक करती हूँ. वाई शुड वी नॉट प्ले ऑन द रोड. It is dangerous to play on the road as we may get hit by vehicles. हमें रोड पर क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि वो डेंजरस है, वो ख़तरनाक है हमारे लिए. अगर हम रोड पर खेलते हैं तो हम व्हीकल से हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है. Name two things that we must not touch as they give electric shock. Heater, hot iron. ऐसी दो चीज़ें जिसे हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है. सो दैट इज़ हीटर एंड हॉट आयरन. विच साइड ऑफ द रोड शुड वी स्टे वाइल राइडिंग अ बाइसिकल. लेफ्ट साइड. नेम एनी टू थिंग्स दैट आर कैप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स. एंटीसेप्टिक क्रीम एंड बैंडेज. हियर इज़ द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 166 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. नाउ दिस इज वर्कशीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. वी शुड वॉक ऑन द रोड फुटपाथ और रोड डिवाइडर. फुटपाथ. वी शुड शार्पन आर पेंसिल विद अ नाइफ ब्लेड. शार्पनर शार्पनर. वी शुड यूज ए एन द क्रॉस टू रोड टू क्रॉस द रोड. सबवे ओवर ब्रिज और एनी ऑफ दिस. सर्कल द थिंग्स दैट कैन हार्म यू. बैड ट्री. हॉट आयरन. टॉय फ्रेंड. इलेक्ट्रिक सॉकेट. पेंसिल. गैस स्टोव. बुक. सो गैस स्टोव. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. वी मस्ट क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. हमें हमेशा रोड क्रॉस करना चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग पे. वी शुड नॉट रन ऑन द स्टेयर्स. हमें स्टेयर्स पर ऐसे दौड़ना नहीं चाहिए. वी मस्ट नॉट पुश एनीबडी इवन इन फन. हमें किसी को भी मस्ती में धक्का नहीं देना चाहिए. वैन वी गेट अ स्मॉल वुंड वी शुड फर्स्ट वॉश इट विथ वाटर. जब हमें छोटी सी भी चोट लग जाती है, छोटा सा भी घाव होता है, तो हमें उसे पानी से वॉश करना चाहिए, वाटर से वॉश करना चाहिए. टेक द एक्टिविटीज़ वी मस्ट डू एंड क्रॉस द वंस वी मस्ट नॉट. सब लोग बस में क्यू में जा रहे हैं, सो दैट इज़ राइट. बहुत जल्दी जल्दी में बस में से नीचे उतर रहे, सो दैट इज़ रॉन्ग. ड्राइवर के साथ खेल रहे, दैट इज़ रॉन्ग. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स. वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड. ट्रू. इट इज़ नॉट डेंजरस टू प्ले विथ फायर. फॉल्स. फायर से खेलना डेंजरस होता है. नाउ सेक्शन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. साइंटिफिक प्रैक्टिकल स्किल्स. अ चाइल्ड में गेट इंजर्ड इन द प्ले ग्राउंड बिकॉज ऑफ डैश गेम. रफ गेम. करेक्ट गेम. ओल्ड गेम. सो रफ गेम. फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट कंटेन टॉफीज जूस एंटीसेप्टिक लोशन. सो एंटीसेप्टिक लोशन. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. हुम शुड वी इन्फॉर्म फर्स्ट इट आवर फ्रेंड गेट्स इंजर्ड इन स्कूल. We should inform our teachers or any elder if our friend gets injured. हमें किसी टीचर को या किसी बड़े को इन्फॉर्म करना चाहिए अगर हमारे किसी दोस्त को कोई चोट लग जाती है तो. What is first aid? After an accident, the first help that an injured person gets, it is called first aid. Means accident के बाद जो first help जो मिलती है किसी injured person को, उसे हम first aid कहते हैं. Now here is a short answer questions. And this is your page number 167. How can you avoid accidents? To avoid accidents, we should be careful and alert. We should follow safety rules all the time and everywhere. हमें accidents को avoid करने के लिए हमें हमेशा careful और alert रहना चाहिए और हमें safety rules follow करना चाहिए हर time और कहीं भी. लिस्ट टू सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द क्लासरूम्स. डू नॉट जंप ऑन डेस्क और रन ऑन इन द क्लास. हमें डेस्क पर ऐसे जंप नहीं करना चाहिए और क्लास में दौड़ना भी नहीं चाहिए. आयुष इज शार्पनिंग हिज पेंसिल विद अ ब्लेड. रिया स्टॉप्स हिम फ्रॉम डूइंग सो. ए. नेम टू शार्प एज थिंग्स दैट आर डेंजरस फॉर चिल्ड्रन टू यूज. बी. विच वैल्यू इज शोन बाय रिया. Knife and blade are two sharp-edged things that are dangerous for children to use. Riya shows caring nature for friends and classmates. Knife or blade जो है वो sharp-edged things हैं जैसे कि childrens को उसे touch नहीं करना चाहिए. वो बहुत ही dangerous होता है
और रिया कैरिंग शो करती है अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के लिए. नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सेफ व्हाट सेफ्टी रूल शुड वी फॉलो वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस राइट एनी फोर. वी शुड फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस. डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ मूविंग बस. नेवर डिस्टर्ब द बस ड्राइवर एंड कीप क्वाइट इन द बस. Do not lean out or put your hand out of the window of a moving bus. Stand in a queue at the bus stop while boarding the bus. हमें जब बस मूव कर रही है तो अब तब हमें बस में से मीन्स जब बस चल रही है उस टाइम में हमें बस में से बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसे नीचे नहीं उतरना चाहिए. Never get disturb the bus driver and keep quiet in the bus. हमें बस ड्राइवर को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए और हमेशा चुपचाप बस में बैठना चाहिए. Do not lean out or put your hand out of the window of a moving bus. जैसे कि हम खिड़की में से बाहर निकलते हैं या हमारा हाथ बाहर निकलते हैं तो ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब बस मूव कर रही हो तो. स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप वाइल बोर्डिंग द बस. जब आप बस में चढ़ रहे हो तब आपको क्यू में हमेशा खड़े रहना चाहिए, सबको क्यू में खड़े रहना चाहिए जब आप बस स्टॉप पर खड़े हो जब बस में चढ़ रहे हो तब. चूज़ द हाउस दैट इज़ सेफ़ टू मूव अराउंड ऑल्सो गिव अ रीज़न. सो हाउस ए क्योंकि वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन है और हाउस बी वो बहुत ही बिखरा पड़ा हुआ है, सारे टॉयज उसमें गिरे हुए हैं, सब इस ऐसे इधर मतलब रखे हुए फ्लोर पर. सो हाउस ए The house A shown in the picture is safe to move around because everything is on its right place in the house. House A इसलिए means select किया है क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर right place पर रखी हुई है. Now why is it important to keep a first aid box at home and in the class? It is necessary to keep first aid box at home and in the class so that we can immediately provide first aid to an injured person. ये इसलिए ज़रूरी है फर्स्ट एड बॉक्स हमारे घर में रखने के लिए और क्लास में इसलिए हमें रखते हैं क्योंकि इमीडिएटली अगर किसी इंजर्ड पर्सन को हमें फर्स्ट एड मीन्स कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी हो तो हम कर सकें. सो हियर इज़ योर लेसन नंबर 2. एक्सरसाइज इज़ फिनिश्ड. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न एट होम. स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून टू लर्न नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ जॉयफुल डे, हैव वंडरफुल डे.